गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाउ आर यू बढ़िया बढ़िया व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंडियन कल्चर My opinion, like just whether i like it or not hmm. i definitely appreciate it and it's the family culture is like richer than in the united states बहुत से खुश है कि नहीं है बहुत खुश हूं मैं तो बहुत प्यारी लग गए यार अच्छा हां अरे ऐसे लेना हम्म

और यहाँ हाँ। यहाँ देखिए अभी अभी आपने देखा है यहां इनके मक्खी लग रही थी तो सासू माँ ने ऐसे किया है कि बिटिया बिटिया परेशान ना हो प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि विदेशी लड़की भारत आ गई विदेश में अरे गहरे देश से नहीं अमेरिका से यूएसए से भारत आ जाती है और भारतीय संस्कृति में रच बस जाती है अब मैं उस दुल्हनिया से मिलवाने जा रहा हूं बिलायती बहू से आपको देखकर आश्चर्य होगा कि किस तरह से जहाँ गायें हैं जहाँ चारा काटने वाली मशीन है और जहाँ दूध ऐसे गर्माया जाता है यानी गर्म किया जाता है छाछ और दही बनाई जाती है उस घर में विदेशी दुल्हनियाँ आई है और ले आया हरियाणा का छोरा हरियाणा का छोरा अब मामूली नहीं है क्रिकेटर है क्रिकेट खेलता था युवराज सिंह के का जो स्टेडियम है जो उनकी एकेडमी है उसमें वह कोच था और विदेशी लड़की मंत्र मुग्ध हो जाती है और कहती है आई लव यू दोस्तों अब मैं मिलवाता हूं आपके धैर्य की परीक्षा में नहीं लेना चाहता और आपको मिलवा रहा हूं जब प्यार की पराकाष्ठा होती है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई आइए मैं मिलवाता हूं दोस्तों ये है एलिजाबेथ गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाउ आर यू बढ़िया अब चलिए इन्होंने हिंदी की शुरुआत किया है तो मैं हिंदी में आपको हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा yeah, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा।, थोड़ा। आ, दोस्तों जिस युवा के साथ एलिजाबेथ आई है यूएसए से भारत यानी हरियाणा हरियाणा के सोनीपत में हम जहाँ हैं सोनीपत और पानीपत के बीच का गांव है हम इस पर भी बात करेंगे और यह है इनकी सासू माँ मा, कौन है माँ माँ मा, <laughs> मा है और यह है अमित सरोहा नमस्कार अमित सरोहा क्रिकेटर हैं और इन्होंने विदेश में नेपाल से लेकर के कई देशों में इन्होंने क्रिकेट खेला और क्रिकेट देख करके यह लड़की मंत्र मुग्ध हो जाती है खुश हो जाती है आई लव यू किधर से हुआ था अमित दोनों तरफ से ही हुआ था वैसे तो।, तो लव यू किधर से मैंने ही कहा था पहले। अच्छा आ, मैंने, मैंने कहा। तो <laughs> तो देखिए यूएसए में इनके पिताजी इनके फादर पुलिस विभाग में हैं। यहाँ हम उप निरीक्षक कहेंगे दरोगा कहेंगे और वहाँ की भाषा में जो भी कहा जाता होगा तो काफ़ी तहकीकात किया भारत में हमारी बेटी कहाँ जा रही है और इजराइल में दोनों की मुलाकात होती है कई दिन साथ रहते हैं और दूसरी बार आई है पहली बार आई चार महीने के लिए एक दूसरे को जाना परखा ठीक से आत्मसात किया उसके बाद दूसरी बार जी। दूसरा राउंड है आपका भारत में सेकंड राउंड।, राउंड तो अमित कैसे प्यार कैसे आ, विचार मिले फेसबुक के ऊपर इनके विचार पढ़े मैंने तो फिर मैंने भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया तो विचार मिल गए जैसी सोच मेरी है वैसी इनकी है मीन्स कि वहाँ पे यू में ऐसी सोच मिलना बहुत मुश्किल होता है तो ऐसा नहीं है कि भी वहाँ सब ऐसे नहीं होते लेकिन मिलना होता है संजोक की बात होती है तो हमारे विचार मिल गए अमित तो किस किस देश में आप क्रिकेट खेले हैं नेपाल श्रीलंका थाईलैंड वहाँ जाके मैं खेला हूँ और सिखाया भी है अच्छा सिखाया भी है जी विदेश में भी सिखाया है जी जी हाँ जी और युवराज सिंह का जो वो एकेडमी है कहाँ युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में मैं कोच रह चुका हूँ यहाँ पे सोनीपत में अच्छा उनकी एक एकेडमी होती है उनकी काफ़ी सारी एकेडमी है तो उनकी एक एकेडमी में मैंने काम संभाला है एक गीत है और कैसे कुड़ी पट जाएगी हाँ हा। किस फिल्म का है <laughs> मुझे तो <थो> नहीं पता <laughs> पता नहीं है और 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 डाट 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 पता नहीं है और और छक्का मारने का अभ्यास रहा है आपका छक्का मारते थे आप क्या करते थे बैटिंग करते थे बॉलिंग करते थे मैं शुरू में तो बॉलिंग ही करता था लेकिन जो बैटिंग का जो होता है ना वो सबको ही होता है मतलब बॉलिंग किया उसके बाद बैटिंग भी कर दिया और बैटिंग यहाँ से लेकर के यूएसए एस ए तक किया <laughs> यह इस गीत का इन्हें पता नहीं है कि इस फिल्म का है, आप बताइएगा मुझे भी नहीं पता है और बमुश्किल हमने एक दर्जन फिल्में देखा होगा उससे अधिक नहीं लेकिन यह वीडियो के दौरान यह गीत याद आ गए यह गीत है सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान ले मेरी बात दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा की यह किस फिल्म का गीत है दूल्हे राजा, दुले राजा।, दुले राजा। बहुत बढ़िया <laughs> तो दूल्हे राजा ले आए अमेरिका से यूएसए से व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंडियन कल्चर My opinion, like just whether I like it or not, hmm. I definitely appreciate it, and it's the family culture is like So okay, okay. Uh, प्रभावित है दोस्तों आप सभी को इस बात का कि भारत में बहुधा एक नारी ब्रह्मचारी uh, की परिकल्पना शुरू से रही है जबकि राजा महाराजा कई रानियां रखते थे अभी भी लोग रखते ही हैं किंतु इसके लिए कड़े कानून बने हैं विदेशों में ऐसा है कि एक का हाथ थामभा हुआ कुछ एक दो बच्चे पैदा हुए फिर पति कहीं और चला गया किसी के और के साथ हो गए संबंध पत्नी कहीं और चली गई बचपन बचाओ यह सब चीज़ें विदेश से आई हैं ऐसे में एलिजाबेथ को ऐसे क्या लगा कि जैसे भारत के प्रति इनकी रुझान पैदा हुई और यह आपके पीछे पीछे आ गई देखिए अगर आपको किसी चीज़ की तलाश होती है अगर आपको वो अपने देश में नहीं मिलती तो आप उसको ढूंढते हैं आसपास, आसपास नहीं मिलती तो जहाँ भी मिले आप उस चीज़ को ढूंढते हैं हमारे लिए तो वसुधैव कुटुमकुम का होता है कि भाई सारी पृथ्वी अपना परिवार है जहाँ भी कुछ मिल जाए वो सब अपना ही है इनको इनके कल्चर में मोस्टली यही होता है कि भाई जब तक साथ हैं तो साथ हैं नहीं तो कोई बात नहीं है फिर वो दूर हो जाते हैं अलग हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपने ठीक बात कही जो बचपन बचाओ का नारा है वो वहीं से आया है क्योंकि वहाँ पर बचपन में ही सात आठ साल का बच्चा होता है कभी माँ छोड़ जाती है कभी पिता छोड़ जाता है तो उस कंडीशन में चार पाँच साल लीगल कार्रवाई में चल जाते हैं तो वो बचपन तो ऐसे करके निकल जाता है तो फिर उनको भी वही सीख मिलती है वो भी आने वाले बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं तो सेपरेशन होता रहता है तो उसी सेपरेशन से बचने के लिए ये लोग तलाशते हैं पूर्व की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ तो ये बयार पश्चिम से पूर्व की तरफ इसलिए बहती है क्योंकि जिस धारा में ये लोग बहना चाहते हैं वो इन्हें यहाँ मिलती है इनका समुंदर यहाँ पर है इनकी नदी यहाँ आकर समुंदर में मिलती है अमित जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं और हम इनके गाँव में हैं पानीपत सोनीपत के बीच का है या सीमांकन दोनों जनपदों की सीमा लगती है अमित गांव कौन सा है अपना गांव है बली कुतुबपुर बली कुतुबपुर जी बली हाँ जी हाँ जी बली माने राजा बली अच्छा राजा बली हाँ राजा बली का कुछ था क्या यहाँ हाँ राजा बली का तो नहीं पता लेकिन हमारा जो ये एरिया है ना इसको बहुत ही प्राचीन माना गया है अच्छा? यहाँ पर एक अलग राजा होते थे राजा चकवाबहन ये उनकी वो चक्रवर्ती राजा थे पूरी पृथ्वी के तो ये उसकी राजधानी का क्षेत्र है तो ये काफी प्राचीन है और राजा बलि का संबंध केवल नाम से है वैसे अन्य कोई संबंध है बलि बलि से से भी हाँ से भी प्राय प्राय कि ताकतवर ताकतवर जी ताकत का यह साहस समित ने कराया है और सासू माँ है इन्होंने बहु मान लिया है एल को और इन्होंने माँ मान लिया है माँ दिस इज योर मदर ओके विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सेप्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्रॉम बिफोर द फर्स्ट डे बगैर किसी हिचकिचाहट के एलिजाबेथ ने एलिजाबेथ का पूरा नाम इनका क्या है इनका पूरा नाम काफी लंबा है एस्लिन एलिजाबेथ डाउनी हेज इजी नहीं है तो एस्लिन अच्छा, ही बोल देते हैं अच्छा, अच्छा। हा, 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 हा। जी एस्लिन एलिजाबेथ और सार्ट नेम है और देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ ये गायों से प्रेम भी करती हैं गाय के प्रति काऊ मदर मदर यस तीन तो गायों के प्रति इनका बड़ा लगाव है बड़ा प्रेम है व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग सॉन्ग यस इंडियन सॉन्ग इंडियन प्लीज प्लीज okay it's called like shaya and i think it means like maybe stuff hmm. no no give the lines ha. i can't i'm too try, nervous Try, try, <laughs> i have to think but that's the song name what is the name please please yes i actually like don't really know guru randhawa th song ha. that one's not by him but i like a lot of by him tell darsakoko like tell something to viewers a song yeah yes the surma surma song. Surma surma. Thoda, thoda, thoda. Yeah, I like this one. Thoda, thoda. And suit suit karda. Yeah, it's okay. How do you say it? Eh? How will you say it? Sing it. I Try. can't sing. <laughs> <laughs> I know lyrics. It's like oh, tenu suits suit karda. <laughs> yeah. Thoda. I'll sing more later. I will. <laughs> if you want. Yeah, it's अभी थोड़ा अनकंफर्ट फील कुल, कर रही हिंदी में थोड़ा शर्म महसूस हो हाँ। सकती पंजाबी गीत में इनकी अभिरुचि है हाँ बिल्कुल हा, पंजाबी गीत थोड़ा सा गुनगुनाएंगी पंजाबी पंजाबी एनी एनी पंजाबी सांग सिंग या सिंग एनी जस्ट लाइंस नॉट नॉट लाइक अ सिंगर यू कैन सिंग सिंपली ओके आई विल टेल यू द लिरिक्स आई लाइक सिंगिंग बट लाइक नॉट ऑलवेज लाइक इन फ्रंट ऑफ पीपल ओके

Okay. That one's definitely okay. on the list. We do it together. Okay, okay. Yeah. Start. I don't know which <laughs> part you started at. I really don't know. Also. <laughs> <laughs> I listened to it like maybe hundreds of times though, also when I was in the US, and it made me feel connected to this place. धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति में ढल रही हैं पंजाबी गीतों के प्रति काफी लगाव है और पियानो बजा पियानो आता है बजाने पियानो yeah. एक विषय और है व्हाट इज योर फेवरेट गेम गेम यस लाइक इन पर्सन या इन पर्सन फॉर यू

अच्छा इसमें हो जाएगा इधर तो है नहीं कहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए इसकी भी जरूरत है देश में कई चीजें छन करके आई और इन्हें एलिजाबेथ को तैरने का यह इस गेम में इनको काफी महारत है पहले से तैरना आता है इनको तैरना चाहती भी हैं लेकिन न तैरना हो पा रहा है न थिरकना हो पा रहा है थिरकती भी हैं कुछ डांस वांस आता है कुछ थोड़ा थोड़ा डांस आता है डांस डांस <laughs> kind of, it's subjective, but I enjoy it definitely. <laughs> आ, दोनों लोग डांस करते हैं कभी कभी किस गीत पर करते हैं लेकिन पंजाबी गीत पर थोड़ा सा थिरकने में मजा आता है, हाँ, natural होता है थोड़ा सा बीट्स होती हैं। एल थोड़ी बीमार भी हैं और हम लोग आ गए हैं यहाँ वीडियो करने बात करने और बड़ा आनंद आया छाछ हम लोगों ने लिया है और वैसे भी आपको पता है कि हरियाणा के लोग अतिथि सत्कार जानते हैं किस प्रकार अतिथियों का सत्कार किया जाता है तो हम लोगों को जीरा डाल करके छाछ मिला है और थोड़ी मोटी मोटी चपाती घी के साथ मिला है और सलाद सलाद खाती हैं मन से सलाद जा, जानती हैं सलाद को क्या बोलती हैं यार फेवरेट फेवरेट कब से uh, कब तक बारह बजे तक बारह बजे तक बजे तक सलाद खाएंगी फ्रूट फ्रूट सैलड फ्रूट और okay. सब्जी कैसे लेती हैं कड़ी वगैरह दाल और आलू की सब्जी नहीं सब्जियां जैसे तेल मसाला आ, या फिर उबाल करके आ, उबाल कर ही उबाल करके लेती हैं वैसे छोंक वैसे नहीं हुँ. लेते ना वो, वो उबाल कर ही लेती है वो उबालना ही होगा अरे बहुत से खुश है कि नहीं है बहुत खुश तो अच्छा? हूँ हाँ। तो? लाडो बेटी लाडो बेटी लाडो बेटी लाडो, लाडो बेटी <laughs> <लाडो बेती। laughs> है नीने लाडो बेटी है ना लाडो माँ वाह वाह प्यारी माँ आपको

पूर्णतया शाकाहारी है वेजिटेरियन यद्यप कि अमेरिका में नॉन वेजिटेरियन आ, कल्चर है बहुलता में लोग नॉन वेजिटेरियन हाँ. है आ, लेकिन यह वेजिटेरियन है यू आर प्योर वेजिटेरियन आई लाइक ओके 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 और अमित आप, आप भी वेजिटेरियन हो प्योर वेजिटेरियन अच्छा हाँ जी पहले से या फिर शुरू से ही बचपन से ही शुरू से ही मेरी माँ भी प्योर वेजिटेरियन भाई भी फैमिली पूरी फैमिली सब कुछ में यार अमित राज लोग जानना चाहते हैं ये सब हुआ कैसे ये सब लोग ना पूछते हैं कि इसकी बहन से मेरी शादी करा दो ये करा दो लेकिन मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि ऐसे नहीं होता है आपको निकलना पड़ता है आपको बात करनी होती है आपको विचार मिलाने होते हैं जब तक आपके विचार नहीं मिलते आप कितनी भी कोशिश कर लो भारत हो अमेरिका हो पाकिस्तान हो अफ़गानिस्तान हो नहीं हो सकता आपको निकलना पड़ेगा कोशिश करनी पड़ेगी दो चार लोगों से बात करनी पड़ेगी हम निकले इंग्लिश सीखी बिना इंग्लिश के तो होगा ही नहीं तो इंग्लिश भैया पहले अगर पटाना हो मतलब हम खराब भाषा बोल रहे हैं खराब क्या मतलब जैसे ठीक है तो अगर ऐसे करना हो तो भैया अंग्रेजी जानना पड़ेगा आपको नंबर एक. एक वैसे इनका इस इस स्पेनिश और इंग्लिश क्या क्या इनका है इंग्लिश स्पेनिश टू लैंग्वेज और हिंदी तीसरा तीसरा हो रहा है और उसी में पंजाबी लैंग्वेज कोई हरियाणा का तो है नहीं हरियाणवी ऐसे नहीं। लोग बोलते हैं किंतु एक डायलेक्ट है एक सिंपली जैसे कि हम छोटे मोटे वर्ड्स को घुमा देते हैं हाँ। जैसे पानी को पानी कर देते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो के कर रहा है हाँ। तो थोड़ा सा घुमा देते हैं वर्डों को लेकिन पंजाबी लोग बोलते हैं जैसे हिंदी पंजाबी हरियाणा में चलती है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल चलती है पंजाबी एक भाषा हो जाती है फिर अच्छा है। तो और जो लोग चाहते हो देखिए भैया कोई बुरी बात नहीं है या कोई कोई बुरी बात नहीं है और इनसे जो बच्चे पैदा होंगे काफी टैलेंटेड होंगे इसमें तनिक दो राय नहीं है और लेकिन एक चीज है अमित की जैसे यह वातावरण यह काफी अच्छे माहौल में रही है सारा सुख सुविधा रहा है ऐसे में और ऐसे में यहाँ गर्मी गर्मी काफ़ी है ऐसे देव की यहाँ नीम है प्राकृतिक वातावरण है उधर अमरूद है सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन फिर भी दिक्कत तो आती होगी कैसे मैनेज करने के लिए एक तो ए लगवा रखा है हाँ और दूसरा कोशिश करते हैं कि कम से कम धूप में बाहर जाएं और तीसरा जब भी बाहर निकलते हैं तो शाम के समय या सुबह के समय ये होते हैं और चौथा अगर धूप में बाहर निकलते हैं तो फिर ड्राइविंग होती है तो ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहाँ पर अगर बाइक पे होते हैं तो हवा लगती है गाड़ी में होते हैं तो एसी चलता रहता अच्छा, है. है, है।, 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 है अच्छा बाइक चलाती है कि नहीं है स्कूटी स्कूटी चलाती हैं हाँ। स्कूटी चलाती हो हाँ। लेकिन तो कार आती है चलाने। अच्छा कार आती है कार तो आपके पास है कि नहीं है नहीं हमारे पास कार नहीं देखिए भैया एक बात ही अभी छन करके आई कि जिसके पास कार ना हो जिसके पास अच्छे मकान भी ना हो इनके लायक और देखे। तो सब चलेगा ही अच्छे मकान न हो और वातानुकूलित वह व्यवस्था भी ना हो बाद में ऐसी इन्होंने लगवाया वैसे में सात समंदर पार में तेरे <laughs> पीछे पीछे आ गई <laughs> 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 song, <it was laughs> but I Indian Indian song. Overseas Indian song. Okay, yeah. I should learn this one. <laughs> <there>. <laughs>